Hello intelligent students. This time we are doing for class 8th exercise 8.3 fourth question. Question kya kehta hai? I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Ki agar main borrow karta hoon, udhar leta hoon 12,000 rupees Jamshed se at 6% per annum rate ho gaya ye simple interest par 2 saal ke liye to ye bana t. Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest agar main yahi amount borrow karta 6% per annum के हिसाब से सेम रेट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट की जा रही है तो मुझे कितना अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ता व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे. अब देखिए यहाँ पे जो हम केस पहले बात कर रहे थे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर तीनों चीज़ें सेम हो तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पे करना पड़ता है तो यहाँ प्रूव हो जाएगी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन तीनों चीज़ों के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट पे निकालेंगे और इन तीनों चीज़ों के लिए फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालेंगे और देखेंगे किस में ज़्यादा पे करना पड़ता है. ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा और कितना ज़्यादा करना पड़ेगा वो निकालना है दोनों का डिफरेंस. ओके देन लेट अस डू दिस. प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 12,000 रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स. ओके एंड सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई 6 2 12 एक 6 है और एक 2 है और एक 120 है 6 तो 120 की तो जीरो आ गई एक जीरो के पीछे 12 6 2 12 और यह भी 12 है 12 12 144 होता है और एक जीरो ये आ गई इतनी ये आया सिंपल इंटरेस्ट राइट. अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसके लिए पहले अमाउंट निकालते हैं CI के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकालते हैं P 1 प्लस R बाय 100 पावर T 12,000 1 प्लस R 6 है अपॉन में 100 पावर 2 100 बाय 100 किया तो क्या आ गया 12,000 मल्टीप्लाई दोनों डेनोमिनेटर सेम है तो ये भी ऐड हो जाएंगे 100 प्लस 6 106 अपॉन में 100 पावर 2 है तो हम इसको दो बार लिखेंगे राइट. अब दो जीरो से दो जीरो कट गई एक ये एक ये एक जीरो ये है एक जीरो ये है. अब ऊपर 2 के तो मल्टीपल्स है लेकिन 5 के मल्टीपल्स नहीं है तो फिर हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे मतलब काटेंगे नहीं ऊपर वाली कैलकुलेशन करके उसमें हम क्या करेंगे जो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे जो 10 है. ओके तो लेट अस डू दिस 106 मल्टीप्लाई 106 एक 106 है एक ये है और एक 12 है 6 6 36 6 6 6 0 1 6 3 6 6 12 1 मल्टीप्लाई 12 12 6 72 12 3 36 7 43 3 4 12 2 24 4 28 2 12 12 12 2 14 1 and 12 12 12 1 13 तो ये हमारी आ गई इतनी वैल्यू एक डिजिट के पहले डेसिमल लगेगी यहाँ पर तो वैल्यू आई है वो है 13,400
483.2। तो CI जो होगा वो A माइनस P करके आएगा, A 13,482.20 पैसे। अब देखो 2 है तो 2 पैसे तो नहीं कहेंगे ना इसको, 2 पैसे का मतलब हो गया 02, लेकिन 2 है तो एक डिजिट 0 लगा करके ये बन जाएगा 20 पैसे, माइनस में 12,000, सीधा सही हो जाएगा, 13 का 1 बन जाएगा और 1842.2 20 पैसे। ये आई है हमारी CI। अब इसमें आया 1482 रुपीज 20 पैसे, इसमें 1440 पैसे आया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा हुआ ना, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, ज़्यादा CI देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट विल हैव टू पे माइनस करेंगे 13483.20 1483 माइनस 1440 00, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो यहाँ लिखेंगे 1483 रुपीज़ 20 पैसे माइनस 1440, तो 43 रुपीज़ 20 पैसे। यस, आवर आंसर इज राइट। Okay students, this way we have completed this question also. In next video we'll do next question. If you like it, then please like, subscribe, comment, share and press the bell icon so that you will be able to get the latest update of my channel. Till then, have a nice time. Have a great time.